फ्रेंड मैं रेनू और आप सब कैसे हो फ्रेंड तो आज संडे है फ्रेंड और मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बना लेते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है धूप भी है फ्रेंड एक दिन बारिश नहीं होती है तो इतनी उमस पैदा हो जाती है कि टैरस पे खड़े होना मुश्किल हो जाता है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ देखिए मेरे गार्डन में गेंदा कितने अच्छे से ये मैरीगोल्ड के फ्लावर खिल रहे हैं और इस प्लांट की मैंने बहुत सी कटिंग लेके लगा भी रखी है फ्रेंड ये लास्ट ईयर के सीड से निकला हुआ खुद से जर्मिनेट हुआ प्लांट है मेरे गार्डन में बहुत से प्लांट निकले हुए हैं मैरीगोल्ड के और मुझे कलर का कुछ पता नहीं कि कौन से कलर के फ्लावर हैं उसमें बस मैंने उनकी कटिंग लगा दिया है कुछ में अभी फ्लावरिंग हो रही है कुछ में नहीं हो रही है देखिए ये सब मेरी कटिंग है जो सक्सेस हो गई चार दिन पहले मैंने लगाई थी और बारिश हो रही थी तो फिर सक्सेस हो गई देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है मैक्सिकन पिटूनिया का मुझे पिंक कलर का बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखिए ये रोज़ भी कितने प्यारे से आ, खिला हुआ है कितना प्यारा कलर है रेड कलर का और ये देखिए आलमंडा ने तो अपनी फ्लावरिंग रोकी ही नहीं बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है येलो और पिंक वाला तो आज मेरे गार्डन में न्यू ये फ्लावर खिला है कैना लिली का फ्रेंड देखिए कितना खूबसूरत है मेरे पास यही एक कलर है और देखिए ऑरेंज और येलो में है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखिए इसमें बर्ड्स भी दो तीन बनी हुई हैं और कल जब मैं अचानक से टेरिस पे आई तो मैंने देखा ये फ्लावर खिला हुआ था ये देखिए मेरा ये सेकंड प्लांट है और एक प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हैं इसके मैंने सिर्फ दो ही प्लांट बना रखा है फ्रेंड देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है और इसमें जो है ये इसी समर में खिलता है फ्रेंड रोड साइड पे आपने देखा होगा बिना केयर के अच्छे से चलता है तो कोई खास केयर की के जरूरत नहीं होती है फ्रेंड इसको बस अगर जैसे मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर आपको देना है तो इसमें आ, आप महीने भर में या पंद्रह दिन में जैसे इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो आप दे सकते हैं फ्रेंड अच्छा रिजल्ट आएगा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत अच्छा होता है एन वगैरह मैं यूज़ नहीं करती नाइन 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 आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है मगर मैं करती नहीं हूँ मैं मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उसका रिजल्ट भी बहुत ही औसम होता है फ्रेंड आप भी जरूर ट्राई करिए तो आप देख सकते हैं इसमें कोई खास केयर की जरूरत नहीं होती है पानी की भी कोई खास ज़रूरत नहीं होती मगर दिन में समर में एक बार इसको वाटरिंग करनी होती है रोड पे आपने देखा होगा ये अपने से निकले होते हैं और बहुत ज़्यादा एक प्लांट से कई प्लांट बना लेते हैं इसके नीचे से ये प्लांट प्रॉपिगेट होता है फ्रेंड नीचे से ही इसको अलग करना पड़ता है और आप कई प्लांट एक प्लांट से अगर मैं चाहूँ तो इसके दस पंद्रह प्लांट बना सकती हूँ मगर पॉट भी चाहिए और हमारा गार्डन में जगह भी नहीं है फ्रेंड्स आप पुराने आटा चावल की बोरी में भी ये प्लांट लगा सकते हैं फ्रेंड और बहुत से प्लांट इसको बना सकते हैं बहुत इजी टू ग्रो होता है कोई केयर की इसको जरूरत नहीं होती है बहुत अच्छे से फर, ये फ्लावरिंग करता है फ्रेंड तो फिर चलते हैं फ्रेंड फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें कमेंट करें और मेरे बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें फ्रेंड ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और प्लीज फ्रेंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच किया करें फ्रेंड ये फुल वॉच नहीं करते हैं तो कम से कम आधी देखा करें चलते हैं फ्रेंड फिर बाय हैप्पी गार्डनिंग